Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to decode the Hindu newspaper 16th November 2019. Don't worry, the backlogs, that is the missed news and the important current affairs, will be covered on my Telegram channel and on my YouTube channel by tonight or by tomorrow. Don't worry about it, okay? आप सभी का स्वागत है अर्पिता शर्मा क्लासेस में. मैं हूँ अर्पिता शर्मा, आप सभी की एडुकेटर. और आप चिंता मत कीजिएगा, जो पिछले कुछ दिनों के जो मिस्ड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो कवर हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर आज रात तक, नहीं तो कल सुबह तक कवर हो ही जाएंगे. डोंट वरी अबाउट इट, बैकलॉग्स हम कवर करा देंगे. आज हम न्यूज़पेपर डिकोड करने वाले हैं द हिंदू, और आज है 16 नवंबर 2019. अगर आप अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो शर्मा 20 मेरा कोड है जो आप यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट पाने के लिए. इफ यू विश टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस देन डोंट वरी, यू विल इजीली गेट 10% डिस्काउंट बाय यूजिंग माय कोड शर्मा 20. ओके, सो लेट्स बिगिन डीकोडिंग द न्यूज़पेपर. आज का न्यूज़पेपर डीकोड करते हैं. आप सभी को पता है कि एडिटोरियल्स आपको खुद से डीकोड करना होता है. इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स जो पढ़ने हैं वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए जाते हैं, आप पढ़ सकते हैं उन्हें. बट एनालिसिस आप खुद करेंगे क्योंकि वो ओपिनियंस हैं. न्यूज़ तो हमने डेली पढ़ी है बट वो ओपिनियंस हैं. ओपिनियंस पढ़ के आपको अपने ओपिनियन फॉर्म करने हैं, ठीक है? जाने माने लोगों के अपने ओपिनियंस होते हैं, उनकी राय पढ़ के आप उस टॉपिक को और डीपली अच्छे से समझ सकते हैं. सो द एडिटोरियल्स यू हैव टू स्टडी देम योरसेल्फ. आई हैव अपलोडेड द इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स ऑन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नेम ऑफ द चैनल इज सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज. नाउ एडिटोरियल्स आर नथिंग बट opinions on the news which you are studying, right, in your newspaper. So you have to study them and you have to understand the topic better by understanding the opinions on those topics given by various important significant people in our country, right? And also the history optional classes are going to resume very soon. Don't worry about it. History optional classes के लिए सब बच्चे बोल रहे हैं, don't worry, जैन एंड तक आपकी क्लासेस वो वाली भी खत्म होंगी. बहुत जल्दी शुरू होंगी वापस से, थोड़ी प्रॉब्लम है बट वो ठीक हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी बहुत जल्दी, ठीक है? कम से कम आपको कम से कम एक हफ्ता और देना पड़ेगा उन क्लासेस को रीस्टार्ट करने के लिए, राइट? हिस्ट्री ऑप्शन क्लासेस आर गोइंग टू रीस्टार्ट वेरी सून इन अ वीक्स टाइम, सो डोंट वरी अबाउट इट. ऑल राइट, नाउ लेट्स डीकोड द न्यूज़पेपर. द ओनली फर्स्ट पेज यू कैन सी द न्यूज इज ArcelorMittal's टेक ओवर ऑफ एस आर क्लियर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट. सो सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सेप्टेड ArcelorMittal's ऑफर टू पे एन एग्रीगेट 42,000 crore एज एन अप फ्रंट अमाउंट टू द सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ बैंकक्रप्ट एस आर स्टील. सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ArcelorMittal की जो ऑफर थी कि हम 42,000 crore अपफ्रंट अमाउंट हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो हैं एस आर स्टील के, बैंकक्रप्ट एस आर स्टील के जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनको हम 42,000 crore अपफ्रंट अमाउंट देंगे फाइनली. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की हामी भर दी है. एंड दिस क्रिएट्स द वे फॉर ArcelorMittal टू टेक ओवर एस आर एंड एंटर द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट स्टील मार्केट. सो एस आर स्टील जो है वो बैंकक्रप्ट हो गई है, जिसकी वजह से ArcelorMittal ने बोला है कि हम इसको टेकअप करेंगे और जितने भी उनके फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है उनको हम 42,000 crore देकर बात को निपटाएंगे, राइट? ऐसा कर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मान ली है. ऐसा करके ArcelorMittal जो है वो एस आर स्टील को कर लेंगे टेक ओवर और बन जाएंगे, एंटर कर लेंगे स्टील मार्केट, बिगेस्ट दुनिया के सेकंड बिगेस्ट स्टील मार्केट में एंटर उनको एंट्री मिल जाएगी. नाउ NCLAT रूलिंग सेट असाइड, कोर्ट ऑल्सो सेट असाइड अ जजमेंट ऑफ नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल विच हेल्ड दैट द अमाउंट ऑट टू बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स. नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज फाइनली अलाउड ArcelorMittal's अपफ्रंट पेमेंट ऑफ 42,000 crore टू सिक्योर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स फॉर एस आर. नाउ हियर आर्टिकल 142 वॉज यूज बाय सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने ना 2018 में अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स का यूज किया था आर्टिकल 142 के तहत. ArcelorMittal अनुमिटल को एक चांस दिया था उस पावर को यूज करके कि आप जितने भी जो लोन्स हैं, जो भी क्रेडिटर्स हैं एसआर के, उनको उनका हिसाब चुका दो.
अब ये आर्टिकल 142 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो बार ये आया है, एक तो अयोध्या इशू में आया है इसका जिक्र और एक यहां पर आया है. आर्टिकल 142 बिकम्स इंपॉर्टेंट व्हाई, बिकॉज इट हैज बीन हाईलाइटेड टू टाइम्स दिस ईयर एंड इन 2018, वन इन अयोध्या इशू दिस ईयर एंड इन 2018 इन दिस आर्सिलॉर मित्तल केस. सो आर्टिकल 142 बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर नॉट ओनली प्रिलिम्स बट ऑल्सो फॉर जीएस पेपर टू. अब ये आपके सिर्फ प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके मेन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर टू के लिए, तो इसलिए हमें इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा. ठीक है, आर्टिकल 142 empowers the सुप्रीम कोर्ट टू पास एनी डिग्री और ऑर्डर नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर पेंडिंग बिफोर इट. सुप्रीम कोर्ट कोई भी मैटर को डील कर रहा है, अगर कंप्लीट जस्टिस उस मैटर में, ताकि कोई भी अपना हाथ ना उठा सके कि भाई हमें ये प्रॉब्लम लग रही है या हमें ये अनफेयर लगा है इस रूलिंग में, इस तरीके की कोई आगे जाकर आवाज ना आए, इसलिए कंप्लीट जस्टिस उस केस में लोगों को देने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स यूज करता है आर्टिकल 142 के तहत. ओके, क्लियर एवरीवन? इतना क्लियर हो गया? ठीक है. Now, Supreme Court rejects ED plea against bail to D.K. Shivakumar. Supreme Court rejects ED plea. Now, here this news is not important. What is important is ED. What is ED? ED बहुत important है इधर, ठीक है? Now, ED means Enforcement Directorate. This is important for prelims. यहाँ पर ED prelims के लिए important है. When was it established? It was established in 1956. 1956 में इसकी स्थापना हुई थी. It is responsible for Enforcement of Foreign Exchange Management Act 1999. FEMA के बारे में आप सुनते हो ना? ठीक है, और कुछ आपने PMLA के बारे में भी सुना होगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, हमने न्यूज में कितनी बार कवर किया है. तो ये सारी प्रोविजंस ईडी के अंडर ही आती हैं. इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन न्यू दिल्ली. नाउ द डायरेक्टरेट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर प्रिलिम्स दैट फॉर ऑपरेशनल पर्पज द ईडी is under the administrative control of department of revenue under ministry of finance. Okay, ये बात याद रखिएगा. Odd even seems to have had no effect on pollution, says Supreme Court. Delhi में जो odd even scheme चल रही है ना, odd days पे odd number की car चलेंगी, even days पे even number की car चलेंगी. Supreme Court का मानना ये है कि odd even scheme के वजह से कोई भी effect pollution के कम होने में नहीं दिखा है. Supreme Court, according to Supreme Court, we all know that in Delhi the scheme is being used, odd even scheme, that on odd days odd number plate the cars having odd numbers plates will move, and on the even days the plate number which is even will move, right? So this particular odd even scheme in transportation in Delhi, Supreme Court says that this scheme has had no effect on pollution, on lowering down the level of pollution. Supreme Court said that the Delhi government's odd even scheme seems to have not dented the intensity of air pollution in the capital. A bench of Justice Arun Mishra and Deepak Gupta issued directions to the DPCC to check vehicular pollution. And Justice Mishra observed that both owners and the officials concerned would be made liable for such vehicles flying on the roads of Delhi, the illegal vehicles, okay, which are illegally running on polluting fuel. Now, Mr. Rohatki said that the data convey a 5-12% reduction in pollution. He also suggested the removal of exemptions on two-wheeler. Ab, court ka kehna ye bhi hai ki is scheme ke andar two-wheelers exempted hai. Two-wheelers aap is particular scheme ke andar nahi aayenge. To Supreme Court ka kehna ye hai ki two-wheelers ko exempt kyun kiya gaya? Unko bhi include karo is scheme ke andar. Plus, kuch vehicles aise hain jo polluting fuel use karte hain chalne ke liye. To usse to aur zyada pollution level kharab hoga, aur zyada badhega, right? To iska kya fayda? Now, here we should study about Central Pollution Control Board. इधर हमें Central Pollution Control Board के बारे में पढ़ना है. This is important for prelims. Central Pollution Control Board of India is a statutory organization. Highlight the word statutory. देखो, अलग-अलग तरीके की organizations होती हैं. ठीक है? कुछ non-statutory होती हैं, कुछ statutory होती हैं. तो CPCB ना statutory organization है, जो कि Ministry of Environment and Forest के अंडर आती है. Remember under which ministry this organization comes. ये भी याद रखना है कि कौन सी ministry के अंदर ये organization आती है. ठीक है? Prelims के लिए. For prelims, you should know that CPCB is a statutory organization and it comes under MOEF. And it was established in which year? That is also important. In 1974, it was established. 1974 में इसको establish किया गया था. Under the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. And it is given the powers and functions under the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. Clear? State Pollution Control Boards के साथ ये coordinate करके pollution
को मॉनिटर करती हैं, अंडर कंट्रोल रखने की कोशिश करती हैं, स्टेट्स को टेक्निकल असिस्टेंस देती हैं ताकि इस तरीके के पॉल्यूशन या एनवायरनमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट सॉल्व हो सके। कैपिटल चोक्स अंडर सीवियर पॉल्यूशन। एयर क्वालिटी इन दिल्ली एंड सराउंडिंग रीजंस कंटिन्यू टू बी इन द सीवियर कैटेगरी विद मॉनिटरिंग स्टेशंस रिपोर्टिंग एवरेज पार्टिकुलर मैटर लेवल्स ऑफ 450 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। नाउ हियर वी शुड नो दैट व्हाट इज द सेफ लिमिट ऑफ PM 2.5। इधर आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है PM 2.5 का ना सेफ लिमिट क्या होता है। इट इज 60 UG पर मीटर क्यूब वाइल द स्टैंडर्ड इज 100। ओके, ये याद रखना ये चीज। नाउ हियर फॉर प्रीलिम्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज सफर। प्रीलिम्स के लिए हमें क्या पढ़ना है कि सफर क्या है। सफर इज सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। सफर क्या है, व्हाट इज सफर, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, एंड इट्स अ नेशनल इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। एक नेशनल इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इसको इनिशिएट इंट्रोड्यूस किया है। व्हाई, टू मेजर द एयर क्वालिटी ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। अंडरलाइन द वर्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी, सिर्फ एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की एयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए इस सिस्टम को लॉन्च किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, बाय मेजरिंग ओवरऑल पॉल्यूशन लेवल एंड द लोकेशन स्पेसिफिक एयर क्वालिटी ऑफ द सिटी। नाउ सिस्टम इज इंडिजीनियसली डेवलप्ड। व्हाट डज इट मीन बाय इंडिजीनियसली डेवलप्ड, मींस इंडिया में डेवलप किया गया, इट्स बीन डेवलप्ड इन इंडिया नॉट आउटसाइड इंडिया। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड इट इज ऑपरेशनलाइज्ड बाय इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके, रिमेंबर दिस एज वेल, इसको भी आप पॉइंट को याद रखना। नाउ सफर, इट हैज अ जायंट ट्रू कलर LED display that gives out real-time air quality index. अब बिल्कुल रियल टाइम ऑन स्पॉट एयर क्वालिटी इंडेक्स ये प्रोवाइड करता है 24/7 बेसिस पे, कलर कोडिंग के साथ प्रोवाइड किया जाता है। ओके, इट्स प्रोवाइडेड बाय कलर कोडिंग। ओके, सेपरेट कलर कोडिंग। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू इंक्रीज अवेयरनेस अमंग पीपल। जब वो देखते हैं इस तरीके का, किस तरीके की लाइट हाईलाइट हो रही है, कितना लेवल है पॉल्यूशन का, तो लोग अवेयर होते हैं कि हाँ हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपने हैबिट्स को सुधारना पड़ेगा ताकि थोड़ा पॉल्यूशन में कॉन्ट्रीब्यूट हम कम करें। ऑल राइट, नाउ इट ऑर्गेनाइजेज अवेयरनेस ड्राइव बाय एजुकेटिंग द पब्लिक ऑल्सो। इट ऑल्सो हेल्प्स द पॉलिसी मेकर्स टू डेवलप मिटिगेशन स्ट्रेटजीज एंड इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑपरेशन in Delhi. Underline this. Okay? Now, air quality index. What is air quality index? ये समझ लेते हैं, right? Let us understand what is air quality index. So, air quality index is an index for reporting daily air quality. डेली एयर क्वालिटी क्या है, इसको रिपोर्ट कौन करता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। इट फोकसेस ऑन हेल्थ इफेक्ट्स वन माइट एक्सपीरियंस विद इन अ फ्यू आवर्स और डेज आफ्टर ब्रीदिंग द पोल्यूटेड एयर एंड इट इज कैलकुलेटेड फॉर 8 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स। नाउ 8 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। 8 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज द ग्राउंड लेवल ओजोन। पहला क्या है, ग्राउंड लेवल ओजोन। देन PM 10, देन PM 2.5, देन कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, लीड। दीज आर दी 8 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स। ये याद रखिएगा, ये 8 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए, ग्रीन पैनल सीक्स लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरीज मॉनिटरिंग पोल्यूशन। This is important for prelims also because here we should understand about NGT on which many questions have been asked in prelims. Prelims में काफी बारी question आता है NGT से, तो इसलिए NGT को ना अच्छे से पढ़ना। The National Green Tribunal has directed Ministry of Environment to provide a list of recognized labs and analysts that monitor pollution and provide details on their functioning. So here NGT is important. What is NGT? National Green Tribunal. It's a specialized body set up under the NGT Act. NGT Act 2010 का है ना, उसके तहत इस body को establish किया गया है, याद रखिएगा। Why? For effective and fast disposal of cases related to environmental protection, conservation of forest and other natural resources. All right. तो ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है, NGT एक्ट 2010 के अंडर इसको तैयार किया गया है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जितने केसेस है कौन सॉल्व करता है, NGT, ठीक है, क्लियर। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ NGT, द ट्राइब्यूनल कंप्राइजेज ऑफ चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर्स। दे विल होल्ड द ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 years एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अंडरलाइन दिस,
रीअपॉइंटमेंट नहीं होती इन मेंबर्स की, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. अ सिलेक्शन कमिटी शैल बी फॉर्म्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट द जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर्स. There are to be at least 10 and maximum 20 full-time judicial members and expert members. Chairperson is appointed by central government in consultation with CJI. जो इसका NGT का chairperson है ना, वो central government appoint करती है CJI के साथ consult करके, ठीक है? Made in China Agarbatti Spoons Terms Minister. So here what is happening is our own minister, Mr. Nitin Gadkari, got very stumped by, you know, the Made in China, which was written in the Agarbatti and even the spoons for used for eating ice cream, right? He was worried also and he was stumped, shocked also that even the small plastic spoons are made in China. So what is happening with our MSME sector? अब हुआ क्या कि नितिन गडकरी जी शॉक में आ गए जब उन्होंने देखा कि एक छोटे से छोटा प्लास्टिक स्पून भी मेड इन चाइना लिखा हुआ है उसमें, अगरबत्ती है वो उस पर भी मेड इन चाइना लिखा हुआ है. तो उनको थोड़ा सा धक्का लगा कि हमारे एमएसएमई सेक्टर जो है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, उनका हो क्या रहा है, राइट? हर छोटी से छोटी चीज मेड इन चाइना लिखा हुआ है उस पर, तो हमारी जो अपनी डोमेस्टिक सेक्टर है उसको तो नुकसान होगा ना. सो द मिनिस्टर स्ट्रेस्ड द नीड टू रिड्यूस इंपोर्ट्स बाय गिविंग अ बूस्ट टू एंटरप्राइज इन एमएसएमई सेक्टर एंड सेड द सेंटर इज अंडरटेकिंग न्यू प्रोजेक्ट्स टू जनरेट 5 crore जॉब्स इन द नियर फ्यूचर. एमएसएमईज हैव बीन एक्सेप्टेड एज द इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फॉर प्रमोटिंग इक्विटेबल डेवलपमेंट एंड दे कॉन्स्टिट्यूट 90% ऑफ टोटल एंटरप्राइजेस इन मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज. Right? So, right now, there is a silent revolution happening in India powered by MSMEs. Now, what is the importance of MSME? This can come in GS paper 3. Ye aapke GS paper 3 mein aa sakta hai ki MSME ki na importance bataiye. So, importance first, employment generation. It is the second largest employment generating sector after agriculture. Agriculture ke baad MSME second largest employment generating sector hai aapka. Right? It provides employment to around 120 million person in India. Then its contribution to GDP, when it is the second largest employment generating sector, its contribution is also significant. जब भैया ये MSME sector second largest employment generating sector है, तो इसका contribution हमारे gross domestic product में भी ज़्यादा होगा, with around 36.1 million units throughout the geographical expanse of the country. It contribute around 6.11% of manufacturing GDP, 24.63% of GDP from service activities, right? Exports, it also constitute around 45% of overall exports from India. Inclusive growth, for that also it's very important because its contribution to GDP is so significant. Obviously, in inclusive growth, it will play a very crucial role. Khadi and village industries, for example. Then financial inclusion, small industries and retail businesses in tier 2 and tier 3 cities create opportunities for people to use banking service and products, right? It also promotes innovation. Now, next important news, Kerala will not allow women to visit the Sabarimala shrine. Kerala government has finally decided that it is not going to allow women in the menstruating age group to visit the Sabarimala Ayyappa temple. And Kerala government has decided to wait till a 7-member bench of the Supreme Court takes a final call. Ab jitne bhi review petitions aayi hai na ki final scrutiny karo Sabarimala issue ke upar, right? To seven jab tak Kerala government ne kaha hai ki jab tak final koi decision nahi aa jata tab tak hum menstruating age group mein jitni bhi mahilaye hain unhe Sabarimala Ayyappa temple mein entry abhi nahi denge. Pehle final decision aa jaye fir hum kuch final take lenge. So the question can come in GS paper 2. Discuss the background in the judgment of recent Sabarimala temple controversy. अब जो भी controversy है 250 शब्दों में आपको जो भी controversy है जो judgment है से related वो आपको discuss करनी है, यानी कि अपना opinion भी बीच में देना है और क्या हुआ है facts के साथ प्रस्तुत करना है. Saving sparrows in Godavari, one nest at a time. So here house sparrows have been talked about, their conservation scheme has been talked about. इधर अब ना house sparrows के conservation की बात हो रही है. House sparrows are found around the world except in the polar regions. This is important for prelims. ये topic prelims के लिए important है कि house sparrows कहाँ पाई जाती है, polar regions को छोड़ के हर जगह पाई जाती है दुनिया में. IUCN status इसका least concern है.
Now they have been declared the state bird of Delhi also. Remember this. और 2010 से ही मार्च 20 के दिन हम वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेट करते हैं. Sparrows are resilient. They migrate to safer zones. They feed at public granaries. But gradually all such places are becoming unsuitable for the sparrows and their population is declining. So why sparrows are disappearing from cities? शहरों से sparrows disappear क्यों हो रही हैं? गायब क्यों हो रही हैं? Causes vegetation loss, right? Mosquito and insect repellents are being used in such a high amount that these sparrows have to fled that area. Grains being stored in plastic bags instead of jute bags. Even if grains rotting at railway stations, sparrows avoid it due to pesticides. Right? Because even in micro levels, pesticides can kill sparrows. Glass panels in buildings, which reflects the image of nearby trees. Vehicles, noise and air pollution. Electromagnetic radiation from cell towers are also affecting the population of sparrows. Okay? क्लियर एवरी वन. तो इधर मैंने कॉज और उसका कॉन्सिक्वेंस इधर आप देख सकते हैं. यू कैन सी ओवर हियर द कॉज एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ स्पैरोज. सेंटर ड्रॉप्स प्लान्स टू ब्रिंग इन चेंजेस टू फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927. द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री विड्रू अ ड्राफ्ट अमेंडमेंट दैट प्रपोज्ड अपडेट्स टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927. यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट था जिसको वापस ले लिया है. ये ड्राफ्ट अमेंडमेंट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में कुछ चेंजेस लाने वाला था. Indian Forest Act 2019 was envisaged as an amendment to the Indian Forest Act 1927, but the draft amendment has been taken back, which was going to affect the amend the basic Indian Forest Act 1927. Now, what is this act? This act was largely based on previous Indian Forest Acts implemented under the British rule. British rule के अंडर जब Indian Forest Acts पास हुए थे, उन्हीं में से एक popular जो act है, वो Indian Forest Act 1927 का है. Both the 1878 Act and 1927 one sought to consolidate and reserve the areas having forest cover. Right, to regulate movement and transit of forest produce. It also defines the procedure to be followed for declaring an area to be a reserved forest. एक एरिया को आप protected forest या village forest या reserve forest declare करो, उसके procedure भी इस act में लिखे गए हैं. Forest offence क्या होता है ये भी define किया गया है इस act के अंदर. Okay? US trade negotiators to visit Delhi for more talks. Here you have to study about GSP, right? Generalized. आपको इसके अंदर GSP के बारे में पढ़ना पड़ेगा. Generalized system of preferences. Okay, here you have to study about generalized system of preferences. You just can go through this news. This is not important to write it down. It's not important to write it down, just to understand. इसको ना news पढ़ के आप समझ सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है. Now also Lithuania and Norway have you can say replaced or switched or shared their spies. Now here Norway and Lithuania is important. The map is important. यहाँ पर आपको world page पे, world news page पे Norway और Lithuania के बारे में news मिलेगी. वो news लिखने की या पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. But map में इनकी positions याद करने की ज़रूरत है. कौन सी sea इन दोनों के बीच में आती है, right? For prelims the position the sea which comes in between both the countries is important. Here you can see the Baltic Sea. You can write it down or make this rough diagram. Here you can see Lithuania. इधर देख सकते हो Lithuania. इधर Norway देख सकते हो. Then Sweden, Baltic Sea, right? So you have to remember which countries share borders with the Baltic Sea or Gulf of Bothnia or Gulf of Finland. कौन सी countries हैं जो Gulf of Bothnia या Baltic Sea या Gulf of Finland के साथ अपने border share करती हैं? And which country comes between Norway and Lithuania? कौन सी country Norway Lithuania के बीच में आती है? Here you can see Sweden. Baltic Sea you can see over here. Gulf of Riga, which countries share borders with Gulf of Riga? Gulf of Riga के साथ कौन सी countries border share करती हैं? You have to remember. Okay, so this map work is very important. You can draw a rough sketch of this map in your register or you can just note it down. Norway, Sweden, Baltic Sea, Lithuania, like this. Then which countries share borders with Baltic Sea? You can write down the countries. Sweden, right? Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, okay, Germany. Now next important news, COC getting final say, a big plus, opine lawyers. Supreme Court's ruling on the SR Steel insolvency case will have far-fetched implications on IBC. So here what you have to study, IBC, Insolvency and Bankruptcy Code. इधर आपको क्या पढ़ना होगा? Insolvency और Bankruptcy Code. IBC क्या है? It is considered as one of the biggest insolvency reforms in economic history of India. And what are the objectives of IBC? To consolidate and amend existing insolvency laws, to simplify and expedite the insolvency and bankruptcy proceedings in India. हमारे country में insolvency bankruptcy proceedings बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं. तो उस process को जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए इसको, इस IBC court को
launch kiya gaya. To revive company in a time-bound manner, to promote entrepreneurship. So you have to remember the objectives for prelims also and for your mains GS paper 3 also. So the class PDF will be uploaded on my Telegram channel. Don't worry about it. You can follow my Telegram channel over here. The name of the channel is Simplifying UPSC with Ease. Thank you and have a nice day.